इन द फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी प्रूव दैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी बी ए सी। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे गिवन में बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी दिया है। हम प्रूफ क्या करेंगे कि एंगल जो है बाइसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा ए डी के द्वारा, मीन्स ये वन सपोज तो ये टू, तो एंगल बी ए सी इज बाइसेक्टेड बाई ए डी या एंगल वन इक्वल टू टू प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे इसको, तो जानते हैं दिया है जो बी डी अपान सी डी इजकल टू ए बी अपान ए सी को लेके चलेंगे, तो देखेंगे कि बी डी कहाँ है, सी डी कहाँ है, ए बी कहाँ है, ए सी कहाँ है। बी डी हमारी इस ट्रायंगल में देखें तो बी डी यहाँ है और सी डी इस ट्रायंगल का एक साइड है सी डी, वैसे ए बी यहाँ है ए बी डी ट्रायंगल का, और या ए बी सी ट्रायंगल का पूरे कर लें तो, और ए सी ये है। तो कुछ इस तरीके से दिया है कि ये सिमिलरिटी का शो कर रहा है। तो बी डी जो है सिमिलरिटी शो करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि इसमें टू साइड्स या टू एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हम लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी में, तो ए डी कॉमन है दोनों में, ए डी इक्वल टू ए डी। अब कोई एंगल एक बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो एंगल बराबर करने के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा से, ये थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, किसके बराबर बढ़ाए हैं बी ए के बराबर, यानी ए बी के बराबर पॉइंट ए को हम इनक्रीज कर दिए, यानी लाइन ए सी को हम सी ए को इनक्रीज कर दिए, कहाँ तक ए तक। तो इसको हम मैच कर दिए, जो पैरेलल होगी किसके, ये पैरेलल होगी ए डी के, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इंक्रीज द लाइन सी ए टू ई पॉइंट एंड ज्वाइन बी टू ई विच इज पैरेलल टू ए डी। मीन्स कंस्ट्रक्शन से हमें मिलेगा बी ए पर बी ए यानी ए बी इज इक्वल टू ए ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई। तो सपोज ये एंगल हमारा क्या है, थ्री है और ये एंगल हमारा फोर है, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू, चूंकि लिखेंगे सबसे पहले चूंकि ए ई इज इक्वल टू ए बी, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू ए ई के सामने की एंगल जो होगा थ्री होगा और ए बी के एंगल फोर होगा सामने का, ये हुआ। और फिर लिखेंगे चूंकि ए डी इज पैरेलल टू
बी एंड ए ई ट्रांसवर्जल लाइन, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे के संगत कोण है, मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों होगा? क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी ई है और बी ए लाइन जो है बी ए लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब 1 और 4 और 2 इक्वल है, 3 और 1 इक्वल है, क्योंकि यहाँ से दिखा है कि 4 और 3 भी इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन को 2 मानते हैं। 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हम क्या काम करेंगे, 4 की जगह पे हम 3 रख देंगे, आर करके लिखेंगे, और आर करके 3 की जगह पे हम एंगल 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 2, जो कि हमें यही प्रूव करना था।